तो देख लीजिए फ्रेंड्स, सुबह में नाश्ता बन रहा है। यहाँ सुबह 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 का टाइम है, बज रहा है 8:30। तो अभी सुबह सुबह में नाश्ता बनाएंगे। ये है रवा, रवे की रोटी बनाएंगे आज, मतलब मुमरी। तवा तो चढ़ गया है, इसमें डालने के लिए प्याज, टमाटो, हरी धनिया और हरी मिर्ची डाली हूँ, ये इसमें डाल देंगे। बाद में थोड़ा ज़्यादा होने के लिए थोड़ा क्वांटिटी में खाना भी डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं चावल काटा रखी हूँ, चावल काटा भी डाल सकते हैं। इसे हाथों की मदद से अच्छे से कला लेंगे। नमक डाली हूँ, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखिए आप। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए इजी रेसिपी है ये, बहुत अच्छी बनती है, बच्चों के टिफिन में भी बहुत अच्छा रहता है, मतलब दोपहर तक घट नहीं होती, नरम ही रहती है। इसे हमारे साइड मुमरी कहते हैं, कहीं कहीं पे ताली पीठ बोलते हैं, लेकिन ये रवे की रोटी है। इसमें आप अगर खाना पीस के डालो, नारियल की करके डालो तो भी बहुत अच्छा लगता है। ये सूजी है, बारीक वाली सूजी, और यहाँ पे चाय भी बन गई थी अम्मा के, अम्मा को देना था, अम्मा को चाय देना है, आहिल को बना के देना है, आहिल को पापा को देना है, तो देख लीजिए बहुत सारा फ्रेंड, काम यहाँ होता पे है। मैं ट्राइपॉड सेट तो कर रही वही तो थी, वही तो बोल रही ट्राइपॉड थी, सेट देख कर लीजिए, लीजिए। मैं रवा अब मैं एक इसमें दस डालूंगी, मिनट के लिए हाथों की भिगा मदद के रखी से थी, ही उसमें चावल टमाटर काटा डाल डाली, दूंगी थोड़ा प्याज, बहुत, टमाटो, हरी मिर्ची और हरिया धनिया काट के और भिगो, हाथों की नमक मदद डाल से के ही 5-10 मिनट हमें के लिए अच्छे छोड़ से देना है फूलने के लिए। बाद में और ऐसा उसमें तवे तेल पर डाल हाथ दूंगी। की मदद से है ना अच्छे से फैलाते जाना है, ये हाथों खाने की में मदद से हेल्दी ही भी करेंगे, रहता चमचे है की मदद और से करें तो टेस्टी भी अच्छा नहीं लगता होता है। है। हाथ ऐसा नहीं जलते, स्लो फ्लेम में रखो तो अच्छा बनता इसमें है, लेकिन रवा मस्त और बनती है। चावल रोटी काटा है, सॉस आपके के घर साथ में चावल खाओ काटा अगर या नहीं है तो तो चटनी के साथ खाओ, राइस चटनी के साथ की का ज़रूरत ही आटा नहीं लेना है, है तो सॉस चलता के साथ है, ज़्यादातर रवे मैं से तो ही चाय बना में खा सकते लेती हैं, हूँ, चाय में बहुत सूजी मस्त से। लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई करना बारीक रवे की सेम पराठे सूजी के जो जैसा रहती है लगता ना, है वो टेस्ट। सूजी से बना के तो प्लीज़ इन खा के हाथों देखो एक को मैं बार, यहाँ आप पे पानी रखी हूँ को ना, देखो बहुत इस पसंद पानी से आएगी। मैं तो धो बने लेती हूँ रही है धीरे मेरे धीरे ब्लॉग पहले में। से। ऐसा होता है। अब इसमें ऊपर से तेल डालेंगे और पलटेंगे, बहुत मस्त लगता है खाने में, बहुत टेस्टी लगता है। तो देख लीजिए मैं पलटी करके भी दिखा रही थी आपको अच्छे से, मैं फास्ट मोड में रख ली थी, तो देख लीजिए अच्छे से ऐसा दबाते गए तो, प्रेस करते गए तो अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, अचार के साथ खाए तो भी अच्छा लगता है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं डाल दी, हमें कितनी क्वांटिटी में पतला चाहिए मोटा चाहिए देख लेने का, डाल के हाथों की मदद से अच्छे से फिराते गए तो हो गया, और तेल ऊपर से डाल दो, मस्त लगता है। अगर मेरा चैनल, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो बने रहिए आगे आगे देखिए हमारी, मेरी, आहिल की और आहिल की दादी की मस्ती, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और राहिल भी अच्छा है, उधर सोया है। तो बार 1-2-4 दिन के बाद मैं आपके सामने आई हूँ, तो क्या करूँ, काम में बिजी थी इसीलिए ब्लॉग भी डाल रही थी। कल मैं ब्लॉग नहीं डाली, आज मैं ब्लॉग डाली हूँ। मतलब कल मैं बहुत थोड़ा बिजी थी, उसके आहिल के पास ही बैठी थी। आहिल देख लीजिए यहाँ पे, आहिल अच्छा है माशाल्लाह, उसकी तबीयत अच्छी है, कल उसकी पट्टी झड़ेगी शायद। तो दिका अस्सलाम वालेकुम बोल। नको कैसे हो आप सब? कुछ मैं अच्छा हूँ बोल। माशाल्लाह वो अच्छा है अभी, तबीयत तो उसकी थोड़ी अच्छी हुई है, मतलब उसे तकलीफ नहीं हुई, दर्द उतना बोला सुता दर्द नहीं हुआ उसे। तेल हम गरम तेल भाते हैं उसे, गरम मतलब गरम नहीं है, ऐसा खो सिर को डालते हैं ना माथे को, वो तेल डाल रहे हैं, तो उसकी पट्टी भी झड़ेगी अभी, दो दो दिन में झड़ेगी, आज उसका तीसरा दिन है। तो मैं कुछ नहीं, अभी नहा के आई तो फूल थे, मंडे के दिन के फूल थे तो ऐसे ही थे, तो भाई जूड़ा बांध के फूल डाल ली। कैसे लग रहे देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो अब बनाऊंगी कॉफ़ी, और राहिल के पापा ला के रखे हैं केक, यहाँ पे देख लीजिए जूड़ा डाली और ऐसा करके फूल डाल ली। तो अभी यहाँ पे हो रहा है बारिश का मौसम हुआ है अभी, तो देखेंगे अभी मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, कॉफ़ी बनाने के बाद आहिल को केक दूंगी खाने के लिए। दोपहर में क्या दी थी मैं, रवे का उपीट बना के, उपमा बना के दी थी। तो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, मुझे सब्सक्राइब की ज़रूरत है, मुझे सब्सक्राइब करो। पहले कितना जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, अभी क्यों नहीं बढ़ रहे पता नहीं चल रहा, लेकिन सब्सक्राइब की मुझे ज़रूरत है, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।
और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, अगर बेल आइकन प्रेस करे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। तो आप बताओ मुझे, मैं और क्या रेसिपी बना के बताऊं। अब तो मैं थोड़ा बिजी हूँ आहिल के इसमें, इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगी और चाय भी बनाऊंगी, कॉफी बनाऊंगी, चाय नहीं चाहिए, आहिल को भी और मैं अम्मा तीनों मिलके कॉफी पी लेंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पे बैठा है आहिल, अभी बाथरूम लेके गई थी मैं। तो यहाँ पे है केक और यहाँ पे बन रही है कॉफी। ये है कॉफी पाउडर, ब्रिस्ता का कॉफी पाउडर होगा शायद। हाँ ये कॉफी पाउडर है। यहाँ पे बॉयल एग है आहिल के लिए, मैं आज बनाई थी एग करी, तो मैं इसकी रेसिपी बनाई थी, मतलब बॉयल एग की सूखा वाली रेसिपी, अच्छी बनती है। लेकिन क्या करूँ, वो मेरा मोबाइल है ना फुल हो गया था, वो जैसे वो नहीं गया तो मुझे डिलीट करना पड़ा। एक दिन मैं अच्छे से बना के दिखाऊंगी, मस्त बनती है। तो मैं डालूंगी अभी कॉफी पाउडर, गुड़ वाली बनाऊंगी हम तीनों के लिए, ब्लैक कॉफी बनाऊंगी, दूध वाली नहीं बनाऊंगी, ये अच्छी लगती है मुझे, पसंद है पीने में, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गुड़ की। गुड़ भी डाल दी मैं, अच्छे से बन जाएगी और केक भी निकाल के रखेंगे। देख लीजिए केक यहाँ का, तो देख लीजिए फ्रेंड यहाँ का केक, ये ऐसे सादा वाला केक है, अच्छा लगता है ये खाने में, बहुत टेस्ट लगता है। मैं घर पे भी बना सकती हूँ केक, मुझे आता है केक बनाना, लेकिन कौन अब झंझट करते बैठेगा। एक दिन मैं ये रेसिपी बना के दिखाऊंगी, अच्छी लगता है केक की रेसिपी, मैं बताऊंगी। देख लीजिए ये है वेनिला फ्लेवर का होगा शायद, देख लीजिए अच्छा लगता है माशाल्लाह। यहाँ पर बन रही है मेरी चाय, तो चाय बनने के बाद चाय पियेंगे, एंजॉय करेंगे। शाम का टाइम है, अच्छी हवा छुटी है, देख लीजिए यहाँ पे बारिश तो नहीं है माशाल्लाह, कल से 2 दिन से बारिश नहीं है, लेकिन ये अच्छा है, वेदर अच्छा हुआ है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे देख लीजिए दादी और पोतरे का लड़ाई चल रही है वो सता के जान खा रहा है उनका, मेरे पास उतना सता नहीं रहा है क्योंकि मुझे भाई गुस्सा कर देती हूँ, मुझे इतना सताए तो उनके साथ चलता है वो। तो देख लीजिए यहाँ पे बन गई हमारी कॉफी, तो मैं डालूंगी, ये हमारी ग्लास है तीनों जने के, तो अब डालूंगी मैं कॉफी। तो देख लीजिए यहाँ पे कॉफी की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। आप एक बार सर्दी हुई ना तो आप कॉफी और गुड़ की कॉफी बना के पी लीजिए, बहुत अच्छी लगती है, मतलब सर्दी जल्दी से कम हो जाती है। मुझे तो कॉफी बहुत पसंद है, एनी टाइम जैसे मैं पी लूंगी, ये मेरी वाली है। ये जो ये बसता है ना लास्ट में, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इसका चावल का टाइम लगा के फेस पे लगा तो फेस का भी ये अच्छा आता है। तो ये है हमारी कॉफी। हाँ चल बे चल बे, बस चल बे। तो देख लीजिए तो चलिए कॉफी पियेंगे हम सब बैठ के। यहाँ पे अम्मा बैठे हैं, यहाँ पे आहिल है, हम जा रहे हैं रूम में कॉफी पीने को। आहिल का बिछाना भी रेडी कर दिया अम्मा, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, अभी आहिल को बताएंगे अच्छे से। हेलो
वरना भी खिला दो। विकास में नहीं। तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे लास्ट में आहिल को बैठा के मैं कॉफ़ी और ब्रेड खिला रही थी। तो ये था मेरा सारा दिन में यही होता है, दिन भर का आधे आधे घंटे एक एक घंटे में उसको खिलाना पड़ता है, बटाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो ज़्यादा मेहनत हो रही है, इसीलिए मैं ब्लॉग भी सही से नहीं डाल रही। तो वैसे में ही मैं ब्लॉग बना के डाल रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। मैं कल एक नए ब्लॉग में